अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक। अच्छा मुझे आप ये बताएंगे, इंडियन वुमेन जो हैं वो IMF के लिए सिलेक्ट हो गई हैं गीता जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है, अच्छी बात है। वो लोग कैपेबल लोग हैं तो सिलेक्ट तो होना ही है ना। उन्होंने वो मेहनत करके पहुंचते हैं यहाँ तक, उन्होंने अच्छे इंस्टीट्यूट से एजुकेशन ली है, उनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनको आगे लेकर जाने वाले लोग जो हैं वो स्ट्रांग हैं एक तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है उनको कि वो आगे गई हैं और वो इससे भी ज़्यादा अच्छा रैंक पर जाके वो विराजमान हो। जो सेकेंड अथॉरिटी में हायर हुई हैं IMF की, राइट, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। आई गेस शी इज़ गीता एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट अथॉरिटी में IMF के आना और पूरे इंटरनेशनली वो उनको फंडिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अब इनके हाथ में बहुत सारे डिसीजंस भी आ रहे हैं क्योंकि इनके पास सेकेंड हाईएस्ट अथॉरिटी आ गई है। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो सबको थोड़ा सा ना लीनियंट पॉइंट भी दें, मतलब कि किसी जगह पर उन लोगों को लीनियंसी के साथ लेके चले, एकदम से लोगों के ऊपर इतना बर्डन ना डालें, क्योंकि जिन्होंने आप कर्जे देने हैं वो तो देने ही देने हैं, और अगर कोई कर्जे आपके नहीं भी दे रहा तो उनके ऊपर डंडा ना चला दीजिएगा, जो कि इंडियंस की आदत है। मैं जैसे एग्रीकल्चर की बात कर रहा था कि हमारी जो औरतें हैं वो पहले काम किया करती थी एग्रीकल्चर में, खेतों पर जाया करती थी, सब कुछ करती थी। तो मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, हमारा जो मुल्क है वो ज़रई मुल्क है, पंजाब की ज़मीन ज़रई है, तो अगर हम औरतों को भी ज़राअत के पेशे में लेके आए तो एक तो हमारी इकोनॉमी बूम होगी, एक तो औरतों को भी एक चांस मिलेगा कि दे कैन वर्क आउटसाइड ऑफ देयर होम्स, और फिर ये होगा कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हमें बहुत ज़रूरी है कि हम नेचर से कनेक्टेड फील करें। तो अगर हम ज़राअत पे एक पूरी अटेंशन उसको देते हैं तो हम दुनिया में शायद ज़राअत को दोबारा, नेचर को जो रियल चीज़ें हैं नेचर से पैदा होती हैं, हम उनको इंसानों के लिए इस्तेमाल के लिए वापस ला सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू कि हम फैक्ट्रियों से बना हुआ हर चीज़ या हर चीज़ जो आर्टिफिशियल आजकल बन रही है। तो हम इससे हमारी सेहत को भी फ़ायदा होगा, औरतों को भी फ़ायदा होगा, हमारी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप मुझे ये बताएं कि किस लिहाज से प्रमोट किया जा रहा है और पाकिस्तानी वुमेंस को इतना प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा? हमारे कल्चर की वजह से, आई गेस। किस कल्चर के लिहाज से? हर कोई कल्चर, हमारे इधर औरत को कुछ कम जगह दी जाती है एज़ कम्पेयर टू मर्द, मार्केट में भी और हर चीज़ में। तो आई गेस औरतों को भी उतने हकूक दिए जाएँ जितने मर्दों को दिए जाते हैं। इंडिया में आप ज़्यादा देखते हैं कि इसको ज़्यादा हकूक दिए जाते हैं? इंडिया में बराबर दिए जाते हैं, मैं मर्दों से ना ज़्यादा, मर्दों से ना कम, उनका उतनी जॉब्स औरतों की होती है उतनी मर्दों की होती हैं। तो इंडिया में वुमेंस क्यों ज़्यादा इतनी तरक्की कर रही हैं पाकिस्तान के लिहाज से? पाकिस्तान की भी औरतें तरक्की कर सकती हैं अगर उन्हें उनका प्लेटफॉर्म दिया जाए तो, यानी उनको प्रमोट किया जाए तो। हाँ, ठीक हो गया। पाकिस्तान में काफ़ी इंटेलिजेंट वुमेंस हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, जो आप देखते आ रहे हैं कि हम स्कूल्स में हमेशा फर्स्ट पोजीशन कोई लड़की ले रही होती है, लड़के नहीं लेते। अगर आप मार्केट पर जाएँ तो ज़्यादा अच्छी पोजिशन पर लड़के होते हैं, लड़कियाँ नहीं होती, तो उन्हें वो पोजिशन दी जाएँ जो वो डिज़र्व करती है। यार इसको ऐसे अब देखें तो जब से खान साहब की हुकूमत आई है, महंगाई से हट के अगर बात करें तो बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे अच्छे मामलात हो रहे हैं। आप इस प्लेटफॉर्म को देखें तो इंशाल्लाह होपफुली उम्मीद यही है कि हमारे लोगों में भी अब जो है एक वो शऊर पैदा हो रहा है, ना कि मर्दों में, ख्वातीन में, बच्चों में भी इन चीज़ों की बहुत सारी गाइडलाइंस आ रही हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली उम्मीद यही है कि हमारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत सारी इस तरह के पॉजिटिव वेज देखने को मिलेंगे। ख्वातीन का जहाँ तक आप कह रहे हैं, ख्वातीन में भी बहुत सारे अब प्रमोटिंग ड्रामास बड़े बन रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा, अभी पता नहीं पब्लिश हुआ, परिजार ड्रामा है, उसके बाद एक और ड्रामा है जो कि ये पायलट्स वगैरह पर बन रहा है, उसमें मुख्तलिफ हमारी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं ड्रामे में, उसकी एड वगैरह मैंने देखी है। इस चीज़ से लोग इंस्पायर होंगे इंशाल्लाह, मोस्ट प्रोबेबली हमारी यही कोशिश है। और फीमेल्स को फ्रंट एंड पे लाना चाहिए, लाजमी लाना चाहिए, क्योंकि मर्दों के साथ साथ ख्वातीन भी इसी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ रहेंगी तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। हाँ, इंडियन वुमेन गीता हायर हुई हैं, तो मैं उनको पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप आई हैं, मुझे उम्मीद है आप अच्छा काम करेंगी, और आपको यही कहूँगा कि आप मिलजुल कर आप वर्क काम करें ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो। अच्छा, तो मुझे आप ये बताओ कि पाकिस्तान को इससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट पड़ेगा, दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है, आपको भी चाहिए दोस्ती का हाथ बढ़ाएं ताकि अच्छे ताल्लुक बन सकें, तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान पहुँचेगा पाकिस्तान को। अच्छा, तो इससे पाकिस्तान को कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा?
मेरी बात सुने, पाकिस्तान को अफेक्ट जो है वो इंडियन से ही पड़ता है सिर्फ, कोई और मुल्क नहीं इनको मिलता कि वो उससे जाके ग्रजेस निकालेंगी या कोई और मुल्क पाकिस्तान से ग्रजेस निकाल सकता है। वो लोग अकलमंद लोग हैं और वो जब इतनी बड़े रैंक पे जाके बैठी हैं ना, तो वो खुद पॉजिटिविटी माइंड में ले जा के उधर बैठी हैं। नेगेटिविटी के साथ कोई भी जाके इतने बड़े रैंक पे नहीं बैठ सकता। सो हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वो कभी भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पॉजिटिविटी जो है ना हमें फैलानी चाहिए और वो पॉजिटिव रह के जो है इंसाफ के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो पाकिस्तान की वुमेन जो है वो इतना ऊपर क्यों नहीं जा सकती? पाकिस्तान की वुमेन जो हैं फैसलाबाद की तरह मर्दों को तो पहले जलील कर लें, बाद में ऊपर चली जाएंगी। और दूसरी बात ये है, क्या हुआ है? हाँ, दूसरी बात ये है कि हम लोगों के पास ना तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना ही हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है। अगर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग भी हो जाए ना, तो लोग जो हैं वो औरतों को आगे बढ़ता देख नहीं सकते हैं। अभी इसी वीडियो के नीचे आप देखना मेरे ख़िलाफ़ कितनी गालियाँ लिखी जाती हैं, तो फिर हम लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी तरबियत लिखा रहे होते हैं। लेकिन हम लोगों की औरतों को भी आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ के जो है कुछ करना चाहिए। शर्मीन उबैद चनाए जो है वो आगे गई थी, वो बढ़ गई आगे, ठीक है, उसको किसी ने रोका तो नहीं, तो हम लोगों को भी कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन बस हमें अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। आपको लगता है कि इंडिया में ये सब चीज़ें हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा कि अभी किसानों का बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया में, तो वहाँ पे ज़राअत है और वो लोग जो वहाँ के किसान हैं उनको पता है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है, इसलिए उन्होंने जो कानून उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन पैदा उनके लिए था, डिस्क्रिमिनेटरी था, उन्होंने उसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट किया। लेकिन हमारे जो किसान हैं, मैं खुद एक किसान फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जो ऐसे कानून हैं जो हमें नुकसान करें, हमारी ज़राअत को नुकसान करें, हम उनके ख़िलाफ़ या कोई प्रोटेस्ट करें, कोई मुजाहरा करें। और हमारी हुकूमत भी इस तरह से चलती है कि वो जो कहती है वो इम्प्लीमेंट कर देती है, ना कि किसानों की राय पूछी जाए कि वो क्या चाहते हैं। जब तक आप एक म्यूचुअलिटी नहीं आएगी, तब तक वो चीज़ ऊपर जाएगी नहीं, तब तक वो ज़राअत है वो उसका जो पेशा है वो ऊपर आएगा नहीं। आजकल लोग देखते हैं, मैं खुद गांव से ताल्लुक़ रखता हूं जैसे मैंने कहा, तो हमें प्रमोट किया जाता है कि आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ। लेकिन मैंने जब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूं और फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं। कौन सी यूनिवर्सिटी से? यूसीपी से हूं। मैं भी यूसीपी से हूं। माशाल्लाह। तो मैं फील करता हूं कि हमें नेचर से कनेक्टेड होने की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी। अगर हम नेचर को प्रमोट करेंगे तो दुनिया में एक चीज़ पैदा होगी कि वी आर फ्रॉम नेचर, वी विल गो टू द नेचर। हम टेक्नोलॉजी से बिलोंग नहीं करते, हमने उसको प्रोड्यूस किया है। तो एक नेचर का भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि वी विल फील टू आवर रियल सेल्फ। तो अगर पाकिस्तान की वुमेंस इंडिया में चली जाएँ, उनको प्रमोट अगर किया जाए, तो वो किस लिहाज तक काम कर सकती हैं? वो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, जैसे इंडियन काम कर रहे हैं। वो अपने पाकिस्तान का नाम बेहतर कर सकती हैं। पाकिस्तान का नाम दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है, उसको ऊपर बढ़ाना चाहिए। यानी इंडिया का नाम ऊपर है? इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा ऊपर है हमसे, कोई वो 20-30 साल हमसे आगे हैं हर चीज़ में। इंडिया को कितना फ़ायदा होगा? सर, इंडिया को फ़ायदे में देखें तो इंडिया अब डे बाई डे तरक्की कर रहा है। वो यूरोपियन साइकी के मुताबिक अब चलना स्टार्ट हो गया है। नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे मामला अपने चेंज कर लिए हैं। ये अलहदा टॉपिक है कि उनका और हमारे बीच में क्लैशेस चलते रहते हैं, मुँह प्यार है भी, लेकिन मोदी साहब जब तक हम पाकिस्तान और इंडिया के मामला बेहतर होते हैं नहीं होते, ये अलहदा चैप्टर है। लेकिन वहाँ पे प्रमोट बहुत किया जा रहा है फीमेल्स को, बहुत अपर लेवल पे। आप देखें उनकी मूवीज़ में कहीं ना कहीं उनके ड्रामाज़ में, सोशल मीडिया उनका भरा पड़ा है कि फ़ीमेल्स को बेहद प्रमोट करते हैं। यही चीज़ अगर हम लोग अपने में ले आएँ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया कुछ भी नहीं है यार हमारे सामने। अल्लाह माफ़ करे, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा हुआ है। हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस चीज़ की कमी है। टैलेंट भरपूर पड़ा हुआ है, क्या खवातीन क्या मर्द। खवातीन मैं कहता हूँ हम लोग उससे ज़्यादा आगे जा सकती हैं। बस थोड़े से शौर की बात है, इंशाल्लाह ताला कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। ये पाकिस्तान भी एक दिन आएगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान की भी इसी तरह कोई फीमेल्स इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आएंगे कि इंशाल्लाह हमारा वतन का नाम रोशन करेंगे। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर पाकिस्तान और इंडिया का देखा जाए, परसेंटेज के लिहाज से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार अभी? वुमेंस के लिहाज से, वुमेंस के लिहाज से नो डाउट इंडिया थोड़ा सा हमसे आगे है, क्योंकि उनका एजुकेशन जो सिस्टम है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। उनमें एक वोकैबुलरी इंग्लिश ऐसी यूज़ हो रही है जिस तरह हम लोग नॉर्मली उर्दू यूज़ करते हैं, ठीक है। उनका वे ऑफ टॉक, वे ऑफ उनका हर चीज़ में आ रहा है, थोड़ा सा आगे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनमें अब शर्म झिझक नहीं रहेगी। वो नॉर्मल हमारे पाकिस्तान में सबसे बुरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हम लोग है ना, मैंने आपसे नाम पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर नेम, हमारे इधर ना वोकैबुलरी सही करने बैठ जाएंगे जी। व्हाट इज़ योर नेम, आपने क्यों नहीं पूछा, व्हाट्स योर नेम क्यों पूछा।
अब दोनों का मतलब एक ही है, हमारे इधर ना वर्ब्स एडवर्ब ये चीज़ सेंटेंस को सही करने में गलतियां निकालने में बैठ जाते हैं, ना कि ये नहीं देखते कि यार इंग्लिश को वो बोल रहा है, अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है वो अगर आपके साथ बोल रहा है तो आप उसको प्रमोट करो, गलत बोल रहे ये उसका मैटर है, अगर आपको समझ आ गया आप उसको जवाब दो, अगर आपकी इतनी बेहतर इंग्लिश है आप बेहतर इंग्लिश बोलो उसके साथ। ये चीज़ें हम लोगों ने देखनी है, हम लोगों ने समझनी है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद बीइंग अ स्टूडेंट भी हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, हमारे अपने स्ट्रक्चर में ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है। अब हमारे भी स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं इन चीज़ों में, वाइवा सीवी वो सब मामला देखते हैं, तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो रही है। होपफुली अल्लाह के घर उम्मीद है यार, इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान एक दिन बहुत तरक्की करेगा। अब बाकी अल्लाह के हाथ में, अल्लाह हमारे साथ हों तो इंशाल्लाह क्या कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, जो इंडिया में जो वुमेंस गीता जी आई हैं उसके लिहाज से पाकिस्तान में कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? यार इफेक्ट पड़ने पर कुछ नहीं कह सकते, अगर बींगा वो अपनी जॉब देख के, जॉब नेचर को देख के उस मुताबिक चलें तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो बैक एंड पे इंडिया और वही चीज़ थोड़ी सी लेग पुलिंग और मुनाफ़त वगैरह मामला करना है तो फिर मे भी देखें पाकिस्तान के साथ हो सकता है, लेकिन मैं इस पर ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तानी भी चुप नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। अगर उन्होंने कोई, वो कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से ज़रूर मिलेगा, ये इंडिया को इस पर ही सोच लेना चाहिए। यानी कि पाकिस्तानी जो वुमेंस हैं ये इनका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह क्यों नहीं, वो देखें वो जो उनके थे पायलट क्या नाम है उनका, अभिनंदन, उनको मन लोगों ने अगर बाइज्जत रिहा कर दिया तो आज उनको मेडल दे रहे हैं, वो भी एक अलहदा चैप्टर है, वो भी कभी डिस्कस हुआ तो ज़रूर करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह हमारी फीमेल्स बहुत आगे जाएंगी और इंशाल्लाह अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है यार हमारी फीमेल्स इस प्लेटफॉर्म पर बहुत आगे तक जाएंगी। कोई मैसेज देना चाहें? सर मैसेज यही है कि प्रमोट करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जैसे इंडिया में प्रमोट किया, जैसे इंडिया में प्रमोट किया जाता है, गलत सही गलत को छोड़ दें, अगर कोई आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने दें, वो किसी भी प्लेटफॉर्म में, ख्वाह वो अमीर का बच्चा है, ख्वाह वो गरीब का बच्चा है, फीमेल जिस किस्म की भी है यार, देखें गलत से ही उसके घर वाले जानते हैं, वो अल्लाह और उसका मामला है। आप लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आके एक अच्छे तरीके से अगर उसको डील करते हैं तो इंशाल्लाह सर बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क में ठीक हो सकती।